बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने आपको फंक्शंस की डिटेल्स प्रोवाइड की थी और हमने कई तरह के फंक्शंस आपको प्रैक्टिकली यूज करना सिखाए थे। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो मजीद फंक्शंस आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने सीखा था कि फंक्शन होता क्या है और आप किसी भी स्प्रेडशीट में फंक्शंस को किस तरीके से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का एक पूरा सिंटेक्स होता है। आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन नेम देंगे और फंक्शन नेम देने के बाद जिन वैल्यूज पर आपको वो फंक्शन अप्लाई करना है उसे एज एन आर्ग्यूमेंट आप उस फंक्शन को देंगे। तो ये एक तरीकेकार था जिसके जरिए आप फंक्शंस को किसी भी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको कई तरह के फंक्शंस को अप्लाई करना सिखाया था, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस को, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को, इसके अलावा हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई करना सिखाया था और कुछ फंक्शंस हमारे मजीद रह गए थे, जैसे कि टेक्स्ट फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस वगैरह। तो आइए इनकी डिटेल्स हम बारी बारी आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस आपको अप्लाई करना सिखाए हैं वो तमाम फंक्शंस नंबर्स पर मुश्तमिल थे, जैसे कि मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तमाम वो फंक्शन थे जो कि आप किसी नंबर्स पर ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि आप सेल के अंदर नंबर्स के साथ साथ टेक्स्ट भी, टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन भी इनपुट कर सकते हैं। तो उस टेक्स्ट के लिए भी एमएस एक्सेल आपको फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रिम, प्रॉपर, अपर, लोअर, कॉन्कैटिनेट वगैरह। तो वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको यहाँ पर एक डमी डाटा नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पर इस सेल के अंदर से ये जो आपको अननेसेसरी स्पेसेस नजर आ रही हैं इन दो वर्ड्स के दरमियान ये रिमूव करनी है। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है एमएस एक्सेल की तरफ से, ट्रिम का। मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया और यहाँ पर आपको टॉप पर ही ट्रिम का फंक्शन नेम नजर आ रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप जिस भी टेक्स्ट के अंदर से आपको अननेसेसरी स्पेसेस हटानी है आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर बीच में अननेसेसरी स्पेसेस थी वो हट गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अगर आप किसी भी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में देखना चाहते हैं, जैसे कि अक्सर ऐसा ही होता है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप सबसे पहले जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर के फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर, प्रॉपर लिखने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे और जिस भी सेल का आपको आपको जो दोनों जितने भी वर्ड्स हैं उस सेल में वो आपको कैपिटल लेटर में चाहिए तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको MB और HB यानी हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपको कैपिटल लेटर में नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अगर आप पूरे के पूरे वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो वो आप अपर के फंक्शन के थ्रू करेंगे। आप लिखेंगे UPPER, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो अब आपको ये जो पूरा नेम था ये आपको कैपिटल लेटर में नजर आ रहा है। इस तरीके से आप इस पूरे नेम को लोअर केस के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए आप लोअर का फंक्शन नेम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद डबल क्लिक करेंगे और जिस भी टेक्स्ट को आपको लोअर केस में तब्दील करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये पूरे सेल में मौजूद जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस के अंदर तब्दील हो गए। तो दोस्तों इसके अलावा भी एमएस एक्सेल आपको कई तरह के टेक्स्चुअल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब अगर आप किसी भी दो सेल्स के अंदर पड़ी वैल्यूज को आपस में जोड़ना चाहते हैं, कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है कॉन्कैटिनेट का। दोस्तों कॉन्कैटिनेट के लिए आप सबसे पहले सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद आप लिखेंगे CON और यहाँ टॉप पर ही आपको कॉन्कैटिनेट लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जिन दो सेल्स में पड़े टेक्स्ट को आपको कॉन्कैटिनेट करना है आप उनके सेल एड्रेसेस देंगे कॉमास के साथ। मैंने सबसे पहले ये वाला सेल लिखा, इसके बाद कॉमा दिया और ये वाला सेल लिख दिया। इसके बाद मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो दो अलग अलग सेल्स में पड़ी वैल्यूज हैं अब ये आपको एक ही सेल में एक साथ नजर आ रही है। तो इस तरीके से भी आप कई सेल्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सेल में किसी वर्ड के अंदर कोई आप एक अल्फाबेट को फाइंड करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको उसके लिए फाइंड का फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद आप फाइंड लिखेंगे। जैसे ही मैंने ये FI लिखा है ये मुझे
सेकंड ऑप्शन फाइंड का नजर आ रहा है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद आप इसके आर्ग्यूमेंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड टेक्स्ट, यानी आप कौन से टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं आप सबसे पहले वो टेक्स्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इस ई को फाइंड करवाना है, यहाँ पर मुझे इस वाले चले इसके इस सेल के अंदर से मुझे इस ई को फाइंड करवाना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दूंगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल ई। सो मैंने यहाँ पर ई लिखा। और याद रखिए दोस्तों, जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करवाना होगा, किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी आप एज एन आर्ग्यूमेंट आप उस टेक्स्ट को पास कर रहे होंगे, तो आप हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, जबकि नंबर्स के लिए आपको ये अप्लाई नहीं करना, लेकिन टेक्स्ट हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया जो कि मुझे फाइंड करवाना है। अभी मुझे किस सेल्स में से फाइंड करवाना है, अब मैं वो उस सेल का एड्रेस दूंगी, मुझे इस सेल में से इसे फाइंड करवाना है, ये मैंने एड्रेस दे दिया। इसके बाद मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और जैसे ही एंटर का साइन प्रेस करूंगी तो आपको ये वो वैल्यू देगा जहां पर ये नंबर, जहां पर ये जो अल्फाबेट है ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर 8th वैल्यू पर आपको ई नजर आ रहा है, तो ये आपको वो नंबर देगा जहां पर ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों सर्च भी बिल्कुल यही काम करता है, लेकिन सर्च के अंदर सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम फॉर्मूला यही वाला आपको यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ, ये मैंने लिख दिया, सॉरी डबल क्लिक किया, फाइन लिखा। अब मैं यहाँ पर कैपिटल ई के बजाय स्मॉल ई लिख देती हूँ, ये मैंने स्मॉल ई लिखा और स्मॉल ई लिखने के बाद मैंने आपको यहाँ पर इस सेल का एड्रेस दे दिया जिसकी मुझे इस ई का जो है वो इस ई को फाइंड करवाना है कि ये किस वैल्यू पर मौजूद है। मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप देखिए कि इसने मुझे एरर दे दिया कि ई तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, जबकि ई यहाँ मौजूद है, विच मीन्स कि ये जो फाइंड का फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है स्मॉल ई तो ये हमेशा, यहाँ पर मैंने कैपिटल ई लिखा है तो ये कैपिटल ई को ही फाइंड करेगा, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर कैपिटल ई के बजाय स्मॉल ई लिख दिया है तो ये इसको फाइंड नहीं कर सकता, जबकि सर्च के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं सर्च में लिखती हूँ ई सॉरी इक्वल टू का साइन, उसके बाद मैं सर्च का फंक्शन नेम लिखूंगी, फंक्शन नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी स्मॉल ई। स्मॉल ई लिखने के बाद मैं जिस भी सेल में से मुझे इस ई को फाइंड करवाना है मैंने उस सेल का एड्रेस दे दिया और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। और दोस्तों देख सकते हैं कि आप इसने मुझे इस ई की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है और यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल ई दिया था, विच मीन्स कि इस केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर ये स्मॉल ई होगा कैपिटल ई होगा तो दोनों को एक जैसे लेगा। दोस्तों इसके बाद है रिप्लेस का फंक्शन। रिप्लेस के अंदर आप किसी भी, रिप्लेस के माने क्या होते हैं, आप किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करवाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है रिप्लेस का, जहां आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिप्लेस का फंक्शन आ गया है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 यानी आपको 4 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। सबसे पहले आपको ओल्ड टेक्स्ट देना है, यानी किस सेल में से आपको इसको रिप्लेस करवाना है, फॉर एग्जाम्पल यानी किस सेल में पड़ी वैल्यू को आपको रिप्लेस करवाना है। तो दोस्तों मुझे इस सेल में पड़ी वैल्यू को रिप्लेस करवाना है, ये मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस वैल्यू से आपको रिप्लेसमेंट स्टार्ट करनी है, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट से लेकर और 6 तक की वैल्यूज को रिप्लेस करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। और कहाँ तक की वैल्यूज को, 6 तक की वैल्यूज को, तो ये मैं दे दूंगी कि मुझे फर्स्ट से लेकर 6 तक की वैल्यूज को रिप्लेस करवाना है। ये देखिए ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी बी तक जो वैल्यूज हैं वो 6 हैं। तो मैंने 1 से लेकर यहाँ पर 1 आर्ग्यूमेंट दिया है और 6 आर्ग्यूमेंट दिया है, यानी इस सेल के फर्स्ट से लेकर और 6 तक के जो अल्फाबेट्स हैं मुझे इनको रिप्लेस करना है। अब आखिरी आर्ग्यूमेंट है कि आपको किस टेक्स्ट से उसको रिप्लेस करना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ इसको कंप्यूटर से। मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि मैं टेक्स्ट एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सेंड कर रही हूँ, तो मैं हमेशा टेक्स्ट को हमें इन्वर्टेड कॉमास में ही सेंड करवाना होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो सेल है उसके अंदर यहाँ पर मकतब एजुकेशनल की जगह आपको कंप्यूटर एजुकेशनल लिखा हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कि ये जो मकतब था ये रिप्लेस होकर कंप्यूटर यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर टेक्स्ट के जमरे में ही आपको एक और फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है
लेंथ का, यानी अगर आप एक सेल में पड़ी किसी टेक्स्ट की लेंथ मालूम करना चाहते हैं कि वो कितनी वैल्यूज पर मुश्तमिल है, तो आपको उसके लिए फंक्शन दिया जाता है LEN। ये मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, इसके बाद ये मैंने लिखा LEN। ये टॉप पर ही फंक्शन आ गया है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखिएगा कि इस सेल में जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये उनको काउंट करके उनकी वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दे, यहाँ पर इसने मुझे इसकी वैल्यू दे दी है। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको कई तरह के टेक्सचुअल फंक्शंस एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है, जो कि आप इस फॉर्मूला के इस फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये तमाम टेक्सचुअल फंक्शन से ही रिलेटेड थे। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है वो है लॉजिकल फंक्शन। दोस्तों लॉजिकल फंक्शन आमतौर पर वो फंक्शन इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें आप दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाते हैं, और लॉजिकल फंक्शंस आपको उसका जो रिजल्ट रिटर्न करता है वो हमेशा एक बूलियन वैल्यू होती है, जैसे कि ट्रू या फिर फॉल्स, वन या फिर जीरो। तो दोस्तों ये कंपैरिजन जो है इसके लिए आपको कई तरह के फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि इफ एंड नॉर्स और वगैरह। तो यहाँ पर हम आपको कुछ फंक्शंस को अप्लाई करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम इफ फंक्शन की बात करते हैं। ये मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, इसके बाद ये मैंने इफ का फंक्शन नेम यहाँ पर डाला। अब ये दोस्तों आपको आर्गुमेंट में नजर आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी यहाँ पर आपको लॉजिक डिफाइन करनी है, जिन नंबर्स पर आपको लॉजिक अप्लाई करनी है वो लॉजिक आपको यहाँ पर लिखनी है, और उस लॉजिक के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको ट्रू रिटर्न करवाना है, फॉल्स रिटर्न करवाना है, यानी अगर ये लॉजिक सही होती है तो आपको क्या रिटर्न कराना है, और अगर ये लॉजिक फॉल्स होगी तो आपको क्या रिटर्न कराना है, वन रिटर्न करवाना है या जीरो रिटर्न करवाना है। तो मैं सबसे पहले लॉजिक दूंगी, मुझे यहाँ पर 15 को कंपेयर करवाना है 10 से, कि आया 15 10 से ग्रेटर देन है। मैंने यहाँ पर लिखा, इस सेल का एड्रेस दिया जहां पर 15 पड़ा है, ग्रेटर देन का साइन लिखा, और फिर इस सेल का एड्रेस दिया जहां पर ये 10 मौजूद है। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब दोस्तों अगर ये लॉजिक सही होती है तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए ट्रू की फॉर्म में, यानी एक टेक्स्ट की फॉर्म में। मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में ट्रू लिख दिया, क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट हमेशा आप जब आर्गुमेंट में देंगे तो वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा। और अगर ये लॉजिक फेल हो जाती है यानी गलत हो जाती है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए फॉल्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स, और फॉल्स लिखने के बाद अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि क्या 15 10 से ग्रेटर है। जी हाँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखते हैं कि ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है। दोस्तों ये देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं अपनी लॉजिक को चेंज कर देती हूँ। मैं इसी तरीके से इफ यहाँ पर लिखती हूँ। इफ लिखने के बाद, यानी मैंने फंक्शन नेम लिख दिया है, अब मैं लॉजिक लिखूंगी 15 इज लेस देन 10। क्या ये सही है, मतलब 15 10 से छोटा है। अगर ये सही है तो ये मुझे रिटर्न करे 1, अदरवाइज ये मुझे रिटर्न करे 0। इसके बाद ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। दोस्तों आप खुद देखिए कि क्या 15 10 से छोटा है, नहीं, तो इसको रिटर्न करना चाहिए ये, विच मीन्स जो पहली वैल्यू है ये हमेशा तब रिटर्न होगी जब आपकी ये जो लॉजिक है ये सही होगी, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये तब रिटर्न होगी जब ये आपकी वैल्यू गलत होगी। तो अब ये वैल्यू हमारी गलत हो रही है, अब ये लॉजिक हमारी गलत हो रही है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 0। तो इस तरीके से दोस्तों आप इफ के अंदर कोई भी लॉजिक, कोई भी दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। अब बारी आती है एंड की। दोस्तों इफ के अंदर हम किसी एक ही लॉजिक को लिख सकते थे, अगर हम एक ही फंक्शन में कई तरह की लॉजिक्स को आपस में कंपेयर करवाना चाहते हैं, कई तरह के नंबर्स को एक साथ कंपेयर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंड का फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ये मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, इक्वल टू का साइन लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी एंड, और दोस्तों मुझे यहाँ पर इन दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाना है, यानी पहले मुझे कंपेयर करवाना है कि 5 इज ग्रेटर देन 0, और देन मुझे कंपेयर करवाना है कि 5 इज लेस देन 10। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस एंड के फंक्शन को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी फर्स्ट लॉजिक दूंगी, दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 के बजाय 15 कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक से ज्यादा लॉजिक्स को आपस में कंपेयर करवाना चाहती हूँ, यानी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या 15 0 से बड़ा है और क्या 15 लेस देन है 10 से, यानी 10 से छोटा है। अगर तो ये दोनों लॉजिक सही है तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और याद रखिए एंड का फंक्शन हमेशा जब तक के तमाम लॉजिक ट्रू नहीं हो जाती तब तक के ये ट्रू रिटर्न नहीं करता। आइए देखते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया,
एंड का फंक्शन नेम लिखा। फंक्शन नेम लिखने के बाद अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप अपनी लॉजिक्स लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहती हूँ, सबसे पहले मेरी लॉजिक है 15 इज ग्रेटर देन 0। तो 15 इस सेल में पड़ा है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाया, और क्योंकि ये मैं इसको कंपेयर करवा रही 0 से, तो ये मैंने 0 सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब मैं दूसरी लॉजिक दूंगी, मैंने कॉमा डाला, कॉमा डालने के बाद दोबारा 15 को सिलेक्ट किया। 15 को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसको कंपेयर करवाना है 10 से, और 10 आपको नजर आ रहा है कि इस सेल में मौजूद है। मैंने लेस देन का साइन अप्लाई किया और ये मैंने 10 को सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों अगर आप खुद देखिए, क्या 15 बड़ा है 0 से तो ये रिटर्न करेगा 2, क्या 15 छोटा है 10 से, यानी इस वाली, ये जो ये वाली लॉजिक है, ये रिटर्न करेगी फॉल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड के अंदर अगर एक लॉजिक भी फॉल्स होगी तो पूरा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आना है। ये देखिए अब आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों अगर मैं लॉजिक चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 15 इज ग्रेटर देन 10। तो दोस्तों पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या 15 जीरो से बड़ा है। जी हाँ, क्या 15 जो है वो बड़ा है 10 से। ये देखिए L4 के अंदर आपको नजर आ रहा है 10, तो क्या 15 10 से बड़ा है, ये भी रिटर्न करेगी ट्रू। अब यहाँ से भी इसको ट्रू रिटर्न हो गया, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो गया। तो याद रखिए जब तमाम लॉजिक्स ट्रू रिटर्न करेंगी तभी आपका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। तो ये देखिए कि अब आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ गया है। तो इस तरीके से लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप तमाम लॉजिकल फंक्शंस देखना चाहते हैं जो कि एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आप तमाम फंक्शंस यहाँ से भी देख सकते हैं, इफ इफ एन ए नॉट और वगैरह, ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट फंक्शंस आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है वो है डेट एंड टाइम फंक्शंस। दोस्तों एमएस एक्सेल आपको इस तरह के फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप अपने करंट डेट, यानी अपने सिस्टम की करंट डेट और टाइम वगैरह भी आप मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला फंक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है वो है टुडे का, और आप टुडे के फंक्शन के जरिए अपने सिस्टम की करंट डेट मालूम कर सकते हैं। ये मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, इक्वल्स टू के साइन के बाद मैंने टुडे पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट्स 0 दिए हुए हैं। अब जैसे ही मैं इस पर एंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी करंट डेट है, जो यहाँ पर आपको डेट लिखी हुई नजर आ रही है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब अगर आप करंट डेट के साथ टाइम भी मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको प्रोवाइड करता है नाउ का फंक्शन। नाउ पर आप डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद आप इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि डेट के साथ आपको टाइम भी शो होगा। ये देखिए दोस्तों, ये है डेट और ये है आज का टाइम। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इस डेट में से कोई डे निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हैं, ये है डे, ये है मंथ और ये है ईयर। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आज की तारीख में से जो भी डे था वो आपको यहाँ पर नजर आ जाए, तो उसके लिए आप डे का फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैंने डे का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप जिस भी सेल में पड़ी डेट में से वो डे निकालना चाहते हैं, आप उस सेल का एड्रेस देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो भी डे था इस सेल के अंदर वो यहाँ पर शो हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप मंथ के फंक्शन के थ्रू उस डेट में से सिर्फ और सिर्फ मंथ निकाल कर भी ला सकते हैं। ये मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मंथ है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी डेट में से अगर आप ईयर निकालना चाहते हैं, ईयर को शो करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको ईयर को फाइंड करना है, यानी उसको एज एन आर्ग्यूमेंट देंगे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी ईयर है इस डेट में से वो आपको नजर आ रहा है। और दोस्तों अगर आप पूरी डेट यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, डेट शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेट का फंक्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ईयर बताना है कि वो कहाँ पर मौजूद है, इसी तरीके से मंथ और इसी तरीके से डेट। तो यहाँ पर दोस्तों ईयर के लिए मैंने सेल चूज कर लिया जिसके अंदर मेरा ईयर मौजूद है। इसके बाद मंथ के लिए मैंने ये वाला सेल चूज किया है, और डे के लिए इस वाले सेल को एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर पास कर दिया। दोस्तों जैसे ही मैं ओके करूंगी तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो भी डेट यहाँ पर बन रही है वो आपको नजर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करंट डेट वगैरह आप एमएस एक्सेल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जैसे ही मैं कल जब आपकी एमएस एक्सेल की इस शीट को खोलूंगी तो यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी होगी,
क्योंकि ये आपको करंट डेट आपको प्रोवाइड करती है, जो कि आज के दिन आपके ये आपकी जो डेट है ये उठाती है इस आपके आपकी मशीन से जो कि आप यूज कर रहे होते हैं। और दोस्तों आप ये तमाम फंक्शंस यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे डेट एंड टाइम, वीक डे, टू डे, टाइम वैल्यू, सेकेंड्स, नाउ वगैरह के फंक्शंस आपको यहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये फंक्शंस आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप इन तमाम फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपका फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने इन तमाम फंक्शंस को आप किस तरह से एमएस एक्सेल में यानी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जिसके अंदर हम आपको एक्सेल की शीट्स के अंदर यानी स्प्रेडशीट्स के अंदर चार्ट्स को बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।